देख सकते हैं राजस्थान के जालौर में एक बहुत ही निंदनीय घटना सामने आई, जिसके बाद देश भर में प्रदर्शन जरूर हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि आज करनाल की सड़कों पर भी लोग जो है इंद्र के लिए इंसाफ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एक बच्चे की पिटाई के बाद जो है 24 दिनों तक अलग अलग जगहों पर उसका इलाज करवाया जाता है, जिसके बाद अहमदाबाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। आरोप है कि बच्चे ने जो है एक मटकी को हाथ लगा दिया, जिससे वहाँ के जो प्रिंसिपल है वो पानी पिया करते थे। बच्चा दलित समाज से बताया जा रहा है, जिसके बाद जो है उनको उस बच्चे की 24 दिन लगातार वो अपनी जिंदगी के लिए जंग लड़ता रहा और अहमदाबाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, जिससे राजस्थान के जालौर के सुराना गाँव में एक तनावपूर्ण माहौल बना। वहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई और लगातार परिवार जो है वो इंसाफ मांगता हुआ नजर रहा। और यहाँ पर अब करनाल में आप देख सकते हैं कि करनाल की सड़कों पर भी इंद्र के लिए, जी हाँ इंद्र के लिए लोग इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर जरूर उतरे हैं। और बड़ी बात यह है कि किस तरह से राजस्थान के जालौर में ये घटना सामने आती है, जिसके बाद वहाँ पर तनावपूर्ण माहौल होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चे को जो है वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, वहाँ के जो अध्यापक थे जिनका नाम छैल सिंह बताया जा रहा है, उन्होंने बच्चे की पिटाई कर दी जब वो मटकी को हाथ लगाता है पानी पीने के लिए, जिसके बाद जो है 24 दिनों तक उसका इलाज हुआ और उसके कान के पीछे जो है गंभीर चोटें आती है। और कान के पीछे जो चोटें आती है वो इतनी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही थी कि जिसके बाद उसकी कान की शायद जो कहा जा रहा है कि नस फट जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि एक बच्चे की अध्यापक के द्वारा पिटाई करने के बाद जब मृत्यु हो जाती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे देश में इस तरह का गुस्सा है। एक देशव्यापी प्रदर्शन जो है वो देख सकते हैं, आज करनाल की सड़कों पर भी जो है लोग उतरे हुए हैं और इंद्र के लिए इंसाफ जरूर मांगते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं इंद्र के लिए लगातार जो इंसाफ की मांग उठ रही है। राजस्थान के जालौर में एक बहुत ही बच्चा, महज 9 साल का बच्चा, जिसकी 24 दिन लगातार जिंदगी से जंग वो लड़ता रहा और अहमदाबाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। आप समाज के लोग जो है लगातार आपको नजर आ जाएगा कि इंसाफ की मांग करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जय भीम, जय भीम। नहीं करेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं करेंगे। देख सकते हैं कि लोग जो है वो किस तरह से करनाल में भी ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जब 9 साल का बच्चा जो है अस्पताल में दम तोड़ देता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके परिवार पर क्या कुछ बीत रही होगी। सबसे बड़ी बात कि बच्चे की अध्यापक द्वारा पिटाई की जाती है। राजस्थान के जालौर के सुराना गांव में वो एक जो है बताया जा रहा है कक्षा में पढ़ता था, 6ठी कक्षा का वो छात्र बताया जा रहा है। जब वहाँ पर उसे प्यास लगती है, जो कहा जा रहा है कि जब वो मटकी को हाथ लगाता है जो अलग से एक अध्यापक के लिए रखी गई थी, तो उसके बाद उसकी इतनी जो है इतनी बुरी तरह पिटाई की जाती है कि उसके कान के पीछे चोटें आती हैं। और कान के पीछे चोटें आती हैं तो उसके अलग अलग अस्पतालों में उसका इलाज कराया जाता है। जब इंद्र का इलाज कराया जाता है तो अलग अलग जगह उसको रेफर किया जाता है अहमदाबाद में। 24 दिनों के बाद जो है वो अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो हार जाता है। अब प्रदर्शन, अब प्रदर्शन कह सकते हैं, कैंडल मार्च कह सकते हैं, समाज उसको इंसाफ दिलाने के लिए जो है सड़कों पर उतरा है और हर जगह इस तरह का प्रदर्शन वो लगातार सामने आ रहा है इंद्र के लिए, क्योंकि जो अध्यापक बताए जा रहे हैं उनको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूल की जो है वो मान्यता रद्द करने की मांग की जा रही है, मुआवजे की मांग की जा रही है। और वहाँ पर अगर बात की जाए राजस्थान के जालौर की, मैं बता दूँ वहाँ पर इंटरनेट सेवाएँ बंद की गई, वहाँ पर जो है पुलिस भारी संख्या में तैनात की गई ताकि वहाँ पर किसी तरह की घटना ना हो। वहाँ पर जो है लाठीचार्ज भी बताया जा रहा है कि हुई और वहाँ पर कई दर्जनों लोग घायल भी हुए, क्योंकि जिस तरह से लोग इंद्र के इंसाफ की मांग लगातार कर रहे हैं, तो आप खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बच्चे का इस दुनिया से चले जाना किस तरह का जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कृत्य हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अध्यापक द्वारा पिटाई के बाद जो है उसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि जो वीडियो सामने आए हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाले वीडियो सामने आए हैं। वो वीडियो इस तरह के हैं, उसमें बच्चा बता रहा है कि जब उससे पूछा जाता है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ है, तो वो जब बताता नहीं है, लेकिन जब उस अध्यापक का नाम लिया जाता है, यानी कि छैल सिंह जो
वहाँ के अध्यापक थे, प्रिंसिपल बताए वो जा रहे हैं, तो बच्चा बताता है कि छेल सिंह ने अगर मारा है तो बच्चा बताता है कि हाँ, इशारा कर रहा है उन वीडियोस में कि कान की तरफ, कि उसको कान की तरफ मारा गया है, कान के पीछे उसको चोट आई, आँखों पर वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चोट आई है। एक तस्वीर इंद्र की बेहद ही दर्दनाक तस्वीर वायरल हुई है, जी हाँ, जिसके बाद हर कोई डरा है, सहमा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ जो है फिलहाल हो रहा है। समाज के लोग जो है यहाँ सड़कों पर हैं, इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे एक मासूम बच्चे की जान को? वैसे तो लोग हमारी बार सरकार कहती है अभी हम 75 साल बाद आज़ादी है, लेकिन हमें नहीं लगता हम आज़ाद हैं। अभी भी हमें पानी पीने पर पाबंदी है, हमारे बच्चों को मार दिया जाता है, और हम कहते हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये मनुवादी सरकार को जल्द से, मान लो इसमें बाढ़ सरकार भी इन्वॉल्व है और राजस्थान भी इन्वॉल्व है, और हम चाहते हैं भाई ज़्यादा से जल्दी हमारे इंद्र मेघवाल को न्याय मिले। तो फिलहाल आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो इंसाफ की मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक बेहद ही दुखद ये घटना कह सकते हैं, दर्दनाक ये घटना कह सकते हैं जो सामने आई राजस्थान के जालौर से, और जिस तरह से सामने आई वो भी अपने आप में डरा देने वाली तस्वीर एक इंद्र की सामने आई। आप देख सकते हैं लोग कैंडल लेकर सड़कों पर हैं, समाज के लोग हैं, और लगातार जो है इंद्र को इंसाफ दिलाने की मांग भी करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान की घटना का असर किस कदर हुआ है पूरे देश में, इंद्र के लिए इंसाफ की मांग है कि अध्यापक द्वारा पिटाई के बाद लगातार 24 दिनों जो है लेकर रहेंगे मनुवास से आजादी। जब 9 साल का बच्चा दम तोड़ देता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस परिवार पर क्या कुछ बीत रहे होंगे। पूरे 24 दिन इंद्र ने जो है अपनी जिंदगी की जंग लड़ी, उसके बाद वो जंग हार गया। आप देख सकते हैं कि पूरे देश में इस तरह के आपको एक नजारा जरूर देखने को मिलेगा कि किस तरह लोग जो है इंद्र को इंसाफ दिलाने की मांग भी यहाँ करते नजर आ रहे हैं। कैंडल जलाकर, यानी कि कैंडल मार्च जो है इंद्र के लिए निकाला जा रहा है। राजस्थान की जालौर की इस घटना ने सबको, पूरे देश को झंझोर कर दिया। जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब इस तरह की एक घटना सामने आना किस तरह का वाक्य है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी देश में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात कि इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर चौक से ये कैंडल मार्च निकाला हमने, महर्षि वाल्मीकि के चौक से लेकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चौक तक। अभी हम ये एक प्रदर्शन का एक स्टार्ट है, अगर उनको पूरा न्याय नहीं मिलेगा मेघवाल को, तो ये बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हो सकता है, और हो सकता है हम दूसरे वहाँ राजस्थान सरकार में जाके भी हम धरना प्रदर्शन करने को तैयार हैं। और हम कल डीसी करनाल को उसके राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन देने वाले हैं। क्या पूरा घटनाक्रम क्या है? पूरा घटनाक्रम यह है कि एक लड़का 9 साल का बच्चा है, वो अपने जाता स्कूल में, और वहाँ पर एक मास्टर की हंडी जो थी ना, अलग एक बर्तन उसने रखा हुआ था पानी पीने के लिए, उसमें से उस बच्चे को प्यास लगी और उसने उस हंडी से पानी पी लिया, तो मास्टर को पता लगा, उसने वहीं उसको इतनी बुरी तरह से मारा, उसकी आंख और दांत वहीं जगह उसी। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि उसको न्याय दिया जाए। और अभी पिछले दिनों एक कन्हैया लाल जो दूसरी जाति का आदमी था, उसको 50 लाख रुपए सरकार ने घोषणा की है, 50 लाख, वो दलित नहीं था, और इसको उन्होंने 5 लाख की मुआवजा के घोषणा की है। हम चाहते हैं कि वो 50 लाख रुपए भी दें और उसके परिवार को नौकरी भी दें, हम ये मांग है हमारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय समय पर हमारी आवाज़ें उठाते हो, और आप ही एक माध्यम है हमारे पास, जो हमारा समय समय पर जो है पूरे भारतवर्ष के अंदर, पूरे मतलब ब्रह्मांड के अंदर हमारी जो बात जाती है। और मैं बताना चाहूँगा, केवल जो है मानसिकता का फ़र्क है। एक 9 साल के बच्चे का क्या दोष था एक 9 साल के बच्चे का, जो पानी पीने गया और उसे सिर्फ मनुवादी मानसिकता का शिकार होना पड़ा, और उस मनुवादी मानसिकता के कारण उसे मार दिया गया। इस जातिवाद को कैसे खत्म किया जा सकता है?
जातिवाद एक बीमारी की तरह है। भारतवर्ष को 75 साल हो चुके हैं आज़ाद हुए, अभी हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया और हमें ऐसा लगता है हम आज तक आज़ाद ही नहीं है। और ये जो आज़ादी है ये मुझे लगता है जातिवाद से आज़ादी हमें कभी नहीं मिल पाएगी, ना मिली है। ये जो मानसिकता है ये सिर्फ और सिर्फ मानसिकता का खेल है, ये मानसिकता बदल नहीं रही या बदलना नहीं चाहते ये लोग। और वैसे जातिवाद जो है, जातिवाद एक सवाल है, एक बीमारी है, कोड है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट मनीष सागर है। प्रधान जी, ये है कि एक 9 साल का बच्चा राजस्थान में जालौर डिस्ट्रिक्ट में 9 साल के बच्चे को, जिसको बच्चे को अपनी जाति का भी पता नहीं होता, और उन्होंने मानसिकता के आधार पर मास्टर जयल सिंह ने उनको एक इतना पिटाई करी कि बच्चे की हत्या हो गई। ये एक बहुत घृणित कार्य है जो एक मानव के लिए एक शोभा नहीं देता। तो हमें सिर्फ यही है कि ऐसे आदमी को नसीहत देने के लिए आपने सभी, मतलब गवर्नमेंट ने, राजस्थान की गवर्नमेंट ने उसको कम से कम ऐसे आदमी को शिक्षा देने के लिए उनको फांसी में दे, ताकि दूसरे आदमियों को, देखिए जाति तो बदल, जाति हम हिंदुस्तान में ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन जातिवाद तो ख़त्म कर सकते हैं। मानसिकता को बदलो। जब हम सारी चीज़ें बदलते हैं, कपड़ा बदलते हैं, मकान बदलते हैं, जूते बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं, दोस्ती भी बदल लेते हैं, लेकिन ये अपने आप को बदलना, अपनी मानसिकता को बदलना, ये एक सबसे बड़ा वो है। जब तक के मेरा नाम पृथ्वी सिंह है। देख सकते हैं कि तमाम युवा कहे, बुजुर्ग कहे, सभी जो है एक साथ सड़कों पर हैं और इंद्र के लिए इंसाफ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक बच्चा, 9 साल का बच्चा जो स्कूल में पढ़ने जाता है, राजस्थान के जालौर के सुहाना गांव की घटना बताई जा रही है, जिसके बाद वो बच्चा पानी पीने के लिए एक मटकी को हाथ लगाता है या उसमें से पानी पीता है। ये तो घटना उस वक्त की जब तस्वीर, जो बच्चे की चोट लगी हुई तस्वीरें सामने आई है, वो अपने आप में पूरे देश को झंझोर कर रख देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं कि बच्चे की कितनी ज्यादा पिटाई की गई थी। जी हाँ, एक अध्यापक के द्वारा, जो अध्यापक बच्चे का भविष्य बनाते हैं, बच्चे को शिक्षा देते हैं, अगर उन अध्यापक की मानसिकता इस तरह की होती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश कहाँ कुछ क्या कुछ तरक्की करने वाला है। ये घटना सामने आती है जिसके बाद पूरा देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था तो अपने आप में एक दुखों का पहाड़ टूटता, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस बच्चे की लगातार 24 दिन के इलाज के बाद वो अहमदाबाद में दम तोड़ देता है, अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है। इस तरह का प्रदर्शन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जो इंद्र के लिए इंसाफ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना पर आपकी क्या कुछ राय है, और क्या आप इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं, वो जरूर बताएं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चा एक ऐसे समाज से आता है और जिसे जो है नीची जाति के तौर पर उन लोगों ने जो है ट्रीट किया, आप ये कह सकते हैं, और जो अध्यापक थे वो उच्च जाति के बताए जा रहे हैं, और वो बच्चे की पिटाई करते हैं जिसके बाद उसकी कान के पीछे गंभीर चोटें आती हैं, और वो जो है लगातार इलाज के बाद भी अपनी जिंदगी नहीं बचा पाता, और इसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा जो है एक प्रदर्शन भी सामने आया, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई, वहां पर लाठी चार्ज हुआ, वहां पर दर्जनों लोग घायल हुए, और अब भी जो है इंद्र के इंसाफ की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। आपसे अपील रहेगी वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहे। फिलहाल की ये तस्वीरें हरियाणा के करनाल से हैं, जहाँ करनाल में भी जो समाज है वो इंद्र को इंसाफ दिलाने के लिए एक बार सड़कों पर उतरा। मैं आरती राणा, सहयोगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से, आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद।